जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिक जो गनमेटल ग्रे है मेरे पास उसका जो फर्स्ट सर्विस है तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज और जो एक्सपीरियंस रहा मेरा फर्स्ट सर्विस में तो उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अभी वही करने वाला हूँ, ये रहा सब कुछ डिटेल्स, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। सबको वेलकम मेरे चैनल में। तो जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट सर्विस जो एक्सपीरियंस रहा मेरा तो उसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। तो फर्स्ट सर्विस अबाव 500 से 700 तक के अंदर अंदर फर्स्ट सर्विस होता है कंपनी के नियम के अनुसार। तो मैंने फर्स्ट सर्विस कराया था बट थोड़ा लेट हो गया था, मतलब मेरा 500 का जो किलोमीटर होता है वो अबाव 600 हो गया था, तो बट उन्होंने मैनेज कर दिया। तो फर्स्ट जब आप गाड़ी, मतलब जो आपका बाइक है जो किसी भी एनफील्ड का ही होना कहना, 350 या 500 एक ही है, सबका नियम एक ही होता है। तो फर्स्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि मैं गाड़ी लेकर गया वर्कशॉप, वहाँ का जो इंस्पेक्टर है या जो होता है ना, मतलब जो जॉब कार्ड या वो फिलअप करता है वो, तो उन्होंने सब फिलअप करके बाहर आया। मतलब नियम यहाँ पे जो हमारा नियम है, गाड़ी बाहर होता है तो वो बाहर आता है जॉब कार्ड लेके, सब कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम हो तो वो ओनर से पूछता है कि सर आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आप बताने, आप सपोज आप बताए कि प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम ये, आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया तो सब वो कर लिया। इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज विथ ओरिंग किट, ये कंपलसरी है फर्स्ट सर्विस में। फर्स्ट सर्विस में कंपलसरी है, जब फर्स्ट सर्विस होता है इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, तो वो पहले से ही लिखा होता है, लिख देते हैं पहले से। तो मेरा इस बाइक में तो मेजर कोई प्रॉब्लम था नहीं, थोड़ा चेन लूज था और जो कार्बोरेटर का ट्यूनिंग होता है वो थोड़ा देखना था, तो यही रहा। और मेरा बाइक में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, तो सर्विस तो हुआ। सर्विस का बिल आया मेरा इंजन ऑयल का 687 रुपीज़, 2.5 लीटर, नॉट 2.5 लीटर सॉरी 2.3 लीटर्स, और ऑयल फिल्टर विद ओरिंग किट आया है 80 रुपये का। तो ये रहा मेरा बिल, देख तो ठीक से मैं पकड़ लूँ इसको। तो ये रहा इंजन ऑयल 15W50 API SL इंजन ऑयल, लिक्विड गन होता है, 2.3 लीटर्स होता है क्वांटिटी, और ये है ऑयल फिल्टर विद ओरिंग। तो इंजन ऑयल का 687 और ऑयल फिल्टर विद ओरिंग किट का 80 रुपीज़ होगा इसका 767, और ऐड किया 150 रुपये, 152 रुपये। ये किस चीज़ का उन्होंने नहीं बोला। फिर आता हूँ नेक्स्ट पेज, जो लेबर होता है, फ्री सर्विस है फिर भी ये लेबर लेते हैं। ये रहा उसका बिल, प्लेटिंग लेबर लेते हैं 53 रुपीज़। तो ये रहा फर्स्ट सर्विस का रिसिट। मेरे गाड़ी में सिर्फ यही काम हुआ फर्स्ट सर्विस में, और उनका जो मतलब कस्टमर को बकरा बनाने का उनका जो टेक्निक है, टर्म यूज़ कर रहा हूँ बकरा, मेरे नज़र में बकरा ही है, मतलब कस्टमर को फूल करने का सबसे बढ़िया तरीका उनका कह सकते, मतलब उनका टेक्निक ये है कि आप फर्स्ट गाड़ी लेके जाते हो, आपका जॉब कार्ड का सब काम हो गया, फिर बोलता है, शुरू होता है उनका लिस्ट, सर टेफ्लॉन, उसके बाद आता है चेन लूब, चेन क्लीन, यह होता है, उसके बाद आता है मतलब वो AMC, मतलब यही होता है उनका पहला वेपन होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मेरे अंदाज में टेफ्लॉन ज़रूरत क्या है भाई टेफ्लॉन का, जो बाइक का सिर्फ 1 मंथ एज हुआ है, सिर्फ 1 महीने का बाइक है उसमें टेफ्लॉन की क्या ज़रूरत। और मेरा तो मैट फिनिश है, मैट फिनिश में टेफ्लॉन है पॉलिश में क्या करूँ, ये आंसर मेरा क्वेश्चन मार्क है उनको कि वो लोग पहले ही टेफ्लॉन लेके घुस जाते हैं कस्टमर के सामने, सर टेफ्लॉन 500 रुपीज़, मेक्स नो सेंस। मेरे मतलब मेरे नज़र में तो कोई सेंस है ही नहीं, मैट फिनिश की गाड़ी है उस पर टेफ्लॉन ज़रूरत है ही नहीं। और उसके बाद आता है क्रोम पॉलिश।
तो फर्स्ट गया टेफ्लॉन का पार्ट, उसके बाद उनका नेक्स्ट वेपन होता है क्रोम पॉलिश। एक महीने का बाइक में मैं क्या क्रोम पॉलिश करवाऊँ, प्लीज़ आंसर। जो अगर कोई मतलब इनफील्ड के कोई वर्कशॉप का कोई देख रहा है, तो नया बाइक है, अभी लगता है बारिश का सीज़न है इसलिए थोड़ा होता है, थोड़ा डर्ट होता है, पर वन मंथ ओल्ड बाइक में मैं क्या क्रोम पॉलिश करवाऊँ। सब कुछ फिट मतलब ओके है, मतलब मेरे नज़र में मैं भी पहले गाड़ी ओन कर चुका हूँ, मतलब ये वो समझने की कोशिश भी नहीं करते कि मेरे पास पहले से गाड़ी है और मुझे पता है कब क्या करवाना है, फिर भी वो अपना मुंह लेके खड़े हो जाते हैं, सर टेफ्लॉन और क्रोम पॉलिश, ये उनका फर्स्ट और सेकंड होता है। उसके बाद आता है वॉश, के बाद आता है चेन क्लीन, चेन लूप, कितना 180 रुपीज़, हमारे यहाँ पे 200 लेता है, मैंने कहीं दूसरे के वीडियो में देखा था, उनका स्टेल्थ ब्लैक है वो पॉलिश करवाए, मतलब स्टेल्थ ब्लैक है पॉलिश सॉरी, उनका चेन लूप क्लीन किया था, उनका लिए 180 रुपीज़, यहाँ पे रहता है 200 रुपीज़ कोलकाता में। तो मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब एक चेन क्लीन और चेन लूप आता है 500 रुपीज़ का, मतलब छोटा वाला लेंगे तो 200 रुपये का एक बोतल आएगा, तो क्लीन और लूप में 400 रुपये, और बड़ा वाला लेंगे तो एक बोतल का 500 रुपये, मतलब 1000 रुपये। तो मेरा एक बोतल ख़रीदने से दो तीन बार छोटा बोतल अगर ख़रीदे तो दो तीन बार ईजिली चेन क्लीन लूप हो जाता है, बट मैं खुद बड़ा वाला बोतल यूज़ करता हूँ, तो मेरा अभी 6 महीना 7 महीना हो रहा है, चलता है, मतलब अभी तक चल रहा है चेन लूप क्लीन। इतना मतलब मेरा मेन क्वेरी है कि मेरा मेन क्वेश्चन है कि एक चेन क्लीन करने का लूप करने का 200 रुपये मेक्स नो सेंस, मतलब पूरा का पूरा कस्टमर को चूस लेना है, यही होता है उनका तरीका। सोच लो मैंने जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग समझते हैं उनका, जो लोग उनका ट्रिक्स और टिप्स को समझते हैं, ट्रिक्स को समझते हैं वर्कशॉप का, तो वो लोग हर कोई समझेगा कि एक बोतल का क्लीन और लूप आता है 400 रुपये, और आपको वो एक बार चेन क्लीन कर देगा, लूप कर देगा एक बार में 200 रुपये। तो आप खुद चूज़ कर लो कौन सा फ़ायदेमंद है आपके लिए। मेरे अंदाज में तो मैं खुद बोतल खरीद लूँगा, घर पे जाके कर लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंडियन रोड कंडीशन है और ये ओपन चेन है, ये देखिए मेरा अभी एक हफ्ते पहले मैंने चेन को क्लीन और लूप किया, तो ये देखिए उसका नतीजा, मतलब गाड़ी का कोई फॉल्ट नहीं है, हमारे इंडियन रोड्स का जो कंडीशन है, मतलब धूल मिट्टी, तो ऑब्वियसली जो होता है कंडीशन, महीने में एक दो बार क्लीन लूप करना पड़ता है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में, और उससे बदतर हो तो छोड़ दो, मतलब इतना ही टफ होता है मतलब चेन को क्लीन रखना। और दूसरी बात, मेजर प्रॉब्लम होता है कि ये जो चेन है ये ओपन चेन है, तो जब आप यहाँ पे क्लीनर और लूप अप्लाई करते हो तो जब पहिया व्हील रोटेट करता है तो ये देखिए, ये होता है कंडीशन, जो लूप और क्लीन होता है वो, मतलब जब पहिया घूमता है तो एयर के प्रेशर से यही हाल होता है, ये रिम्स में क्लीनर और लूप मतलब जो होता है, मतलब उड़ के चला जाता है, कभी कभी डिस्क ब्रेक में चला जाता है, ब्रेक नहीं पकड़ता है, ये प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या मतलब मेरा दिमाग से ये निकला कि मैं यहाँ पे लूप क्लीन नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ से करता हूँ, मतलब इस जगह से, हाँ इस जगह से करने के बाद इस पोर्शन में थोड़ा डर्ट और मैल जमा होता है, बट आई कैन लिव विद दैट, मतलब ब्रेक ना पकड़ने से बेहतर है आप यहीं से करो, यहाँ पे तो ब्रेक का कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस जगह गंदगी हो चलेगा, मतलब ब्रेक नहीं पकड़े तो वो मेजर है। तो ये होता है फर्स्ट सर्विस। इंजन ऑयल देते हैं लिक्विड गन का, कंपनी का खुद का, जो एनफील्ड कंपनी HP से बनवा के खुद के नाम ब्रांड जोड़ के बेचते हैं। तो अगर कोई जानना चाहता है कि लिक्विड गन इंजन ऑयल कैसा है, तो मेरे नज़र में इंजन ऑयल जो कंपनी प्रोवाइड करती है लिक्विड गन, एकदम बकवास इंजन ऑयल है, बेटर है आप मोतुल का यूज़ कीजिए, मिनरल नहीं सेमी सिंथेटिक, 5100 है, उसके बाद 300V है, 15W50 सेम ग्रेड का है। हाँ 5100 यहाँ पे कोलकाता में मैं जो ख़रीदा थंडरबर्ड के लिए, तीन बोतल ख़रीदना पड़ा मुझे, वो लिया 480 पर बोतल, 480 लिया पर बोतल। और रिसेंटली मैं जाके शॉप से जान के आया कि जो 300V है मोतुल का फुल सिंथेटिक एस्टर कोर के साथ, जो फैक्ट्री लाइन है जो फ्रांस से आता है, तो
तो वो एक बॉटल का यहाँ पे कॉस्ट है 925 पर लीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कंपनी का 2.3 लीटर्स 687 रुपये और वहाँ मोतुल का 1 लीटर का 950 रुपये लगभग। तो ये मतलब प्राइस ही सब कुछ बोल देता है कि इंजनल कैसा होगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट सर्विस का मतलब जो फर्स्ट सर्विस हुआ ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। और दूसरी बात, जब आप बिल पे करके गेट से निकलेंगे तो बिल के साथ एक पेज अटैच होगा इनके यहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस। तो मेरा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि मैं गाड़ी सर्विस करके घर नहीं ले गया, चलाया भी नहीं ठीक से, मतलब आप सर्विस किए ही नहीं, उसके बाद आपको मतलब हाथ में पकड़ दिया जाता है सर्विस एक्सपीरियंस, आप कैसा रिमार्क्स देंगे? मतलब अरे भाई टाइम तो दो दिन टाइम दो, चलाने दो, देखने दो कि सर्विस के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि प्रॉब्लम जा चुकी है, तो उसके बाद मैं कमेंट करूँगा ना। मतलब मैं गाड़ी चलाया नहीं, सर्विस होके निकला नहीं, हाथ पकड़ा दिया एक्सपीरियंस। तो मैंने तो साइन नहीं किया, तो आशा करता हूँ कि जो लोग देखते हैं वो भी साइन नहीं करेंगे। तो कस्टमर का फीडबैक देखते कंपनी ने नया रूल चालू किया है कि मोबाइल में आप जो रजिस्टर मोबाइल होता है उसमें SMS आता है कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, 1 से 5 तक होता है। फर्स्ट वन स्टैंड्स फॉर पुअर, सेकेंड वन फॉर एवरेज, थर्ड वन फॉर गुड, फोर्थ वन वेरी गुड और 5 होता है एक्सीलेंट, ऐसा ही होता है। तो मैंने दिया नहीं, वो ऐसा ही पड़ा है SMS। अभी मतलब जल्दी सेकेंड सर्विस का टाइम आ रहा है इस गाड़ी का, तो सेकेंड सर्विस होता कुछ नहीं है, सिर्फ जाएंगे धो के देंगे बस हो गया गाड़ी का काम। अगर किसी को इंजनल चेंज करना पड़ता है तब इंजनल मतलब जो जैसा चलता है मतलब उसके डिमांड के चलाने के बाद किलोमीटर को देख के फिर इंजनल चेंज होता है। तो कंपनी का इंजन ऑयल है, डालना तो पड़ेगा क्योंकि वारंटी पीरियड में है 2 ईयर्स, नहीं तो वारंटी नहीं मिलेगा। तो एक बात और बोल दूँ कि जो पहले का जो हाइड्रोलिक टैपेट का जो साउंड आता था, तो कंपनी ने हाइड्रोलिक टैपेट्स के ऊपर वारंटी क्लेम करना छोड़ दिया है। मतलब अगर आपका 2 दिन का गाड़ी भी हुआ, नेक्स्ट 3rd डे से आपका साउंड आता है हाइड्रोलिक का, तो वो आपके खुद के पॉकेट से जाने वाला है, वारंटी नहीं देगा कंपनी। तो ये एक माइनस पॉइंट है। तो हाइड्रोलिक के अलावा इस गाड़ी में 2 साल में प्रॉब्लम होता ही नहीं है। मैं लास्ट जो 2 बाइक्स है, एक बेच दिया, दूसरा है थंडरबर्ड, 2.5 ईयर्स हुआ है, अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं हाइड्रोलिक फेलियर के सिवा। मतलब थंडरबर्ड में वो प्रॉब्लम था, ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, जो हाइड्रोलिक का साउंड आता था वो आप देख लीजिए एक बार, मतलब किस इंटेंस और किस स्पीड से और कितना ज़ोर आवाज़ आता है हाइड्रोलिक टैपेट से इस गाड़ी में। तो अभी कंपनी का जो इंजीनियर है तो उनका कहना है कि विदिन 2000 किलोमीटर्स आपको इंजीनियर चेंज करवाना पड़ता है। और अगर आप मोतुल यूज़ करते हैं 5100 तो आपको लगभग सेमी सिंथेटिक मिलता है, सेमी सिंथेटिक है। कंपनी जो प्रोवाइड करता है वो बेसिक ऑयल है, मिनरल ऑयल है, एकदम 3rd क्लास ऑयल है कंपनी का। मोतुल का जो 5100 वो सेमी सिंथेटिक है, उसका इंटरवल ड्रेन इंटरवल होता है 3500 से 4000 के अंदर ड्रेन इंटरवल होता है। तो वही बेटर है ना, मतलब इंजन के लिए भी बेटर है, परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है, हीट थोड़ा कम होता है, तो इट्स ओके। तो अगर आप 5100 से भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसके ऊपर आप जाना चाहते हैं, तो फिर आता है 300V फैक्ट्री लाइन। मेरा नेक्स्ट टारगेट है इस गाड़ी में 300V डालने का अभी नेक्स्ट, क्योंकि मैं वारंटी मेरा कोई काम का है ही नहीं, वारंटी मेरा कोई काम का है नहीं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होता है इस गाड़ी की इंजन में हाइड्रोलिक फेलियर का, वो कंपनी अभी वारंटी में चेंज करके नहीं दे रही है, तो मेरा वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अपने अंदाज से अच्छा इंजनर डालूंगा ना। और हाँ, मैं पूरा इंजनर डालता हूँ 2.5 लीटर्स, मतलब 2.3 नहीं डालता, नहीं 2.5 डालता हूँ। अभी कुछ ही दिनों बाद मैं इस गाड़ी का इंजनर ड्रेन करूँगा, तो उसके पर वीडियो बनाऊँगा, कौन सा इंजनर मैं यूज़ कर रहा हूँ सब बताऊँगा। तो उसके लिए देखते रहिए मेरा चैनल सुबोस ब्लॉग्स एंड सपोर्ट करते रहिए। हाल ही में 600 सब्सक्राइबर मैंने क्रॉस किया है, और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए 600 सब्सक्राइबर मतलब बहुत। मैं जो करता हूँ वीडियो में, मेरा वीडियो में उतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, नॉर्मल करता हूँ, सिंपल करता हूँ, उसी हिसाब से 600 सब्सक्राइबर
इट्स एनफ, मतलब जो अचीवमेंट मिला मुझे आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी नेक्स्ट टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, तो 1000 होने पर थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल बटन। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, देखते हैं कौन सा वीडियो आता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।